सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? सोबर आप देख रहे हो आपका अपना हैशटैग ब्लॉग। तो आज मैं हूँ, देखो मेरे पीछे, देख रहे हो पूरे में रावण। तो आज आपको मिलेगी रावण की वीडियो। तो आज हमारे साथ एक बंदा, तो उसके चैनल का नाम है विशाल बूम, तेरा भाई हमारा भाई। हो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, जो मेरे चैनल को देखते हो ना, मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ जो बेल आइकन आएगा उसको दबा लेना। आज दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया रावण, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे भी आएगी ये वीडियो रावण की, मैं बनाऊंगा जो, और इसके चैनल पे भी आएगी। सब्सक्राइब कर लो भाई को। तो हम दिखाते हैं आपको चल के पूरे रावण, मतलब कैसे रावण बनते हैं और मतलब क्या क्या दिक्कत आती है उसमें। तो पूरा मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब कितने फुट का होता है। और हाँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे ना तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे हो पूरा ये बांस का पूरा पैर स्ट्रक्चर बनेगा, हाथ पैर बनेंगे इसके पूरे बांस का, छोटे छोटे कटिंग करके पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पूरे में स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको। मैं तो आपको एक बंदे से बात कराऊंगा, उससे सारा इन्फॉर्मेशन निकलाऊंगा कि कैसे कैसे रावण मतलब कैसे तैयार होते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ बनती है, तो सब दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो देख लो आप, ये पैर वैर होंगे, हाथ होंगे, मुँह। तो सबसे पहले मेन टांगी बनेंगी, तो सबसे पहले टांगे बनती हैं, फिर हाथ बनते हैं, और फिर इसका जो मेन छाती वाती वाला होता है, ये देख रहा है, ये सारा छाती वाला। तो अंकल जी, ये छाती वाला है किस चीज़ का? ये छाती वाला है, ये छाती है। तो इसके बाद मुंह बनाते हैं। तो मुंह बनाते हैं, तो मुंह, अच्छा मुंह कौन सा है? इस तरह का मुंह बनेगा। अच्छा, इस तरह का मुंह होएगा, ये देख रहे हो मुंह बना हुआ है। कहाँ पे? तो ये देख रहे हो, ये सामने धड़ है, और टांग हाथ पैर ये सारे इधर दिख रहे हैं। अंकल जी पेस्टिंग कर रहे थे। तो उनका पेस्ट किस चीज़ का होता है? पेस्ट जो होता है तुम्हारा चिपकाने वाला, ये हाँ, किस चीज़? अरारोट से बनाते हो, तो अरारोट से चिपकाते हैं। सो गए, ये देख रहे हो आप, सबसे पहले इसका पैर बनता है, और उसके बाद हाथ बनाए जाते हैं, फिर उसका धड़ बनता है। तो हम सीधे भैया पे चलते हैं। तो भैया नाम क्या है आपका, ये बताओ? सोनू। तो भाई क्या कर रहे हो आप, ये लगा रहे हैं? अच्छा, हाथ की पेस्टिंग कर रहे हो? क्या पैर का फिनिशिंग कर रहे हैं? अच्छा, पैर की फिनिशिंग कर रहे हैं ये, और इसके बाद धोती चढ़ते, देखो दिख रही है ना, इस पर धोती चढ़ाते हैं, और सारा धोती चढ़ के इस पर कलर होएगा। और इसमें पटाखे नहीं लगाते? तो पटाखे भी लगाते हो? नहीं, पटाखे नहीं। अच्छा, कस्टमर बोले तो लगा दोगे? मतलब कस्टमर लेके आएगा? हाँ। तो भैया कितने कितने फुट का रावण होते हैं? कितने फुट का होता है? 30 फुट क्या वहाँ पे बन रहा है? अच्छा, तीन लोग में, मतलब 50 फुट, 60 फुट, 70, जितना मतलब जितना कस्टमर बोले 70 फुट तक बनता है लास्ट। तो देख रहे हैं सिंगल पीस है, तो भैया मतलब इस पर पूरी धोती ऐसे कुछ चढ़ती है, तो भैया इसके बारे में कुछ बता दोगे? एक तो भाई ये क्या चीज़ है बताओ पहले? ये धन और घगड़ा साथ में है। अच्छा, साथ में है, तो इसमें पटाखे वटाखे लगा के देते हो तुम? नहीं, वो अलग से लगवाने पड़ते। अच्छा, अलग से लगवाने पड़ते हैं, अगर कस्टमर बोले तो लगा दोगे? जैसे कस्टमर लेके अलग चार्ज लगेगा? अच्छा, अलग चार्ज चार्ज लगेगा। तो कितने कितने फुट के होते हैं आप पे? हमारे पे 15 फुट से लेके 50 फुट, 15 से लेके 50 फुट तक मिल जाएंगे रावण। तो आप क्या नाम है, बाहर भी भेजते हो? बाहर, जैसे बाहर भेजना हो? बाहर की अलग बुकिंग होती है। अच्छा, बुकिंग होती है पहले ही? पहले। तो उसका क्या चार्ज होता हो बुकिंग करने का? बुकिंग ये फुट के हिसाब से होता है। अच्छा, फुट के हिसाब से होता है। तो मतलब मिनिमम कितना होता है फिर भी? 400 रुपये फुट। तो 400 रुपये फुट पे पहले बुकिंग हो जाती है, उसके बाद जैसे कोई बंदा आता बुकिंग करवा के जाता, तो उसके वहाँ भेज देते हैं, गाड़ी में लोड होकर चले जाता। देखो ये धोती चढ़ी पड़ी है, भी सिंगल पीस ही है। अरे देख सकते हो पूरे ढांचा, पूरे तैयार है, मुँह है इसमें, साथ में मूछें भी लगी हुई हैं। तो इस पर भी धोती चढ़ी नहीं है, धोती चढ़ने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो यहाँ से बंदे बाहर जाते हैं, जैसे यूपी में जाते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं यहाँ से। देख रहे हो पूरा पूरे यहाँ से दूर तक ये धोती चढ़ रही है। धोती चढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, उसके बाद इसके ऊपर कलर होएगा जैसा कि कस्टमर चाहता है वैसा कलर हो जाएगा। और देख सकते हो यार दूर तक काफ़ी पीछे नीचे घाघरा पड़ा है, सिंगल पीस है, घाघरा पड़ा हुआ है, इसे धोती चढ़ चुकी है। तो ये भी इधर मुँह, तो मुँह देख रहे हो, मूँछ देखो कितनी बड़ी है भाई, मूँछ देखो किसी कितनी बड़ी है। तो मैं आपको और भी बात बंदों से मिलवाता हूँ और बात करवाता हूँ, तो देख लो पूरा। और भाई उधर ले जा रहे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई बंदों को बनाने के लिए, पूरी इधर धोती चढ़ रखी है, तो इधर भी है। तो भाई ये देखो, ये बन रहा है रावण का मुकुट। तो भाई पूरे रावण बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं? 6,000 रुपये लग जाते हैं पूरे में। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल जाता होगा? फुट कितने रुपए फुट होता है? 400 रुपये, 500 रुपये फुट बिकता है। जैसे कि अगर किसी बंदे को बुकिंग करनी है तो वो पहले करनी पड़ती है। पटाखे भी लगा सकते, अगर पटाखे लगवाने हो तो वो बंदा लेके आए तो आप लगा सकते हो, उसका एक्स्ट्रा लगते हैं, उसका एक्स्ट्रा लगते हैं। तो भाई मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े हो गए, देखो भाई धूप हो रही है बहुत करने वाली। और इधर भी देखो सिंगल पीस ये बन रहा है, भाई पूरे मेहनत कर रहे हैं। उधर पूरी बांस की कटिंग वटिंग पड़ी है, तो इसको जॉइंट करके देखो ऐसा कुछ बढ़िया सा मुकुट बन जाएगा भाई, बढ़िया बन जाएगा एकदम, जैसा रावण होता ना, देखा होगा रामलीला में, तो ऐसे ही रावण बन जाएगा बिल्कुल। तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो देखो ये रावण का घाघरा, इसे धोती चढ़ा रखी है भाई ने, और पूरे में देखो धोती, ये धोती धोती चढ़ा के इस पर कलर वलर करके, ये देख रहे हो पूरा मुँह सारा कुछ तैयार हो जाएगा, तो तैयार होकर कुछ और अच्छा लगेगा। फिर देख रहे हैं यहाँ धोती की कटिंग चल रही है, धोती काट के भाई इस पर लगाओगे, पूरी जगह चढ़ रही है ना पूरी, भाई यहाँ धोती की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ ऊपर चढ़ा रहे हैं। भाई ये क्या है, घाघरा है? हाँ जी, ये घाघरा है, तो घाघरा है देख रहे हो। तो इसके ऊपर कलर भी होएगा, कलर भी होएगा इसके बाद, इसके बाद कलर भी होएगा, घाघरा चढ़ेगा, चमड़ी लगेगी, सब कुछ होगा। अच्छा सब कुछ होगा, इसके बाद पटाखे भी लगाते हैं ना जी, अगर कस्टमर बोलेगा तो आएंगे पटाखे लगा के खड़ा भी करके आएंगे। अच्छा खड़ा भी करके आएंगे, अगर कस्टमर बोले कि पटाखे नहीं चाहिए तो कस्टमर के ऊपर देंगे तो हम लगा देंगे, नहीं अच्छा अगर कस्टमर देता है तभी लगाते हैं, और खड़ा करने बोलेंगे तो हम खड़ा करेंगे। अच्छा खड़ा करने के, जैसे अगर रावण रामलीला मैदान में खड़े करने का भी ऑर्डर आता है ना, जैसे खड़े करना, देख रहे हैं आप पूरे में रावण ही रावण मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ये पूरा धड़ वड़, ये तो धड़ है, जो चेस्ट होती ना ये पूरी चेस्ट है, और ये पूरी आपको धड़ मिल जाएगा पूरा। अभी तो तैयारी चल रही है इनकी बनने की, पूरे बने पड़े हैं, देख रहे हो पूरे में स्ट्रक्चर, पूरा रावण का स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको। तो भाई वहाँ बंदे मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है बंदों को बनाने में, तो इसकी कुछ कॉस्टिंग पड़ जाती है 6,000 रुपये। तो देख रहे हो 400 रुपये फुट के हिसाब से बेचते हैं, तो पूरा देख सकते हो। और आप बाहर भी मतलब बाहर भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, तो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरा एड्रेस तो आप भी एड्रेस देख सकते हो, पूरा दिख रहा है एड्रेस, तो ये पूरा एड्रेस ये है, तो आप यहाँ आ सकते हो अगर आपको अपने लोकल एरिया के लिए लेने हो, या कोई रामलीला मैदान के लिए लेने हो, ऑर्डर करना तो ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑर्डर भी ले लेते हैं, फ़ोन करो बस, फ़ोन पर ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये देख रहे हो पूरा मुंह के साथ मुकुट भी जोड़ गया है, इसके ऊपर धोती वोती चढ़ा के इसको पूरा प्रॉपर कर देंगे, फिर ये इसमें जॉइंट होएगा। तो भाई ये धूप में काम करते हैं यार काफ़ी बंदे, और इसको रावण को पता पूरी अपनी जान लगा दी पूरी रावण बनाने में, देख रहे हो पूरे भाई पूरे बंदे उधर दिख रहे होंगे आपको काम कर रहे हैं, देख रहे ना ऊपर भी काम कर रहे हैं। अंकल जी एक रावण बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? टाइम तो लगता ही है, टाइम तो लगता है, मतलब एक महीने, एक डेढ़ महीना, एक को तो मत पूछा करो, अगर पूरा टोटल पूछोगे तो बता देंगे। अच्छा टोटल मतलब टोटल बनाने में कितना टाइम लगता है? 19-30 तारीख हो जाएगा ना, 19-30 तारीख। अच्छा तो हमारा टोटल हो जाएगा 3 महीना, 3 महीने पूरे टोटल हो जाएंगे, मतलब टोटल बन जाएगा। 51 रावण बना रहे हैं, 51 रावण बना रहे हो, तो हमारा 3 महीना, 3 महीने में 51 रावण बना रहे हैं, देख रहे हो। अरे मूछे बना रहे हैं अंकल, अभी तो मूछे बनाना चालू कर रखे हैं। अच्छा मूछे बनाने, उधर धोती बन रही है, धोती लगा रहे हैं, धोती लगा रहे हैं, धोती बनाने के बाद कलर चढ़ाएंगे उसमें पटाखे, अगर कोई बंदा बोलता है पटाखे लगाने के तो पटाखे भी लगा लो, पटाखा भी लगा देंगे कल गए, तो जैसे कि कस्टमर बोलेगा पटाखे लगाने के लिए पटाखे भी लगा देंगे, उसकी कॉस्ट अलग से पड़ेगी है ना अंकल? हाँ जी, उसकी कॉस्ट अलग से पड़ती है पटाखे लगाने में, सब कुछ बल्ली बल्ली रस्सी मतलब अलग के अलावा सब कुछ अलग से आता है, तो देख सकते हो पूरा।
हाथ बन रहे ना, हाथ ही है हाथ पैर, तो इधर पैर बनाने भैया ये पैर बना रहे हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये धोती वाला रावण है। ये धोती वाला रावण है। अच्छा ये इसके पैर हैं, ये प्रॉपर देखो पैर ये बना रखे हैं, बन रहे हैं पूरे। जूता तैयार नहीं हुआ है। अच्छा जूता भी तैयार नहीं हुआ है, इसके जूता तैयार नहीं हुआ। टाइम लगेगा उसमें? टाइम नहीं लगेगा। अच्छा अभी तो 15 दिन हमारे पास टाइम है। अच्छा 15 दिन टाइम है अभी। रावण दशहरे में भी तो टाइम है, तो उसके हिसाब से जूते वो तो सारा तैयार हो जाएगा। एक हाथ चाहिए, एक फूल चाहिए। तो बच्चे रावण देखने आ रहे, घूम रहे, रावण देख रहे हैं। ऐसे मत डालियो मेरे को ये। तो देख रहे हो ये पूरा मुकुट है, इस पर काला काला कलर चढ़ा रखा है, ये दिख रहा है पूरा काला कलर दे रखा है इन पे। मुकुट तो मुकुट तैयार हो गया, कुछ ऐसे हो जाता है इसकी पैर नाक मूछ सब कुछ, ये ऐसा कलर कुछ चढ़ा रखा है, पैर पैर पर काला कलर चढ़ा रखा है, तो कुछ इस तरह से मुकुट हो जाएंगे इसके। देख रहे हो पूरा भाई, पर मुझे रावण जो दशहरे पर दिखता है ना, वो छोटे छोटे मतलब एक एक पीस, सबसे पहले पैर, उसके बाद धड़, उसके बाद हाथ, उसके बाद मुकुट और मूछ और मुंह, ये सब तो तैयार करके एक प्रॉपर रावण बनाया जाता है, जो कि भाई बनाने में बहुत मेहनत लगती है इन बंदे को। देख रहे हो भाई अंकल जी काम कर रहे हैं, तो यार काफ़ी मेहनत लगती है, बंदे दूर काफ़ी दूर दूर से आते हैं जैसे बिहार हो गए बनाने, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बनाने का यार। तो देख लेना यार, और यहाँ देख रहे हो पूरे मुकुट वुकुट पड़े हैं, उधर काम कर रहे हैं भाई सारे, इधर ये भाई काम कर रहे हैं, तो पूरे में देखो ये धड़ पड़े हैं, मुंह पड़ा है, तो ये मुंह बन रहे हैं इधर पूरे, देख सकते हैं पूरा। तो भाई घूमने आया देखने, देखो रावण, तो भाई रावण देखने आया तो कैसे बनते हैं, तो देखो भाई भी देखने आया छोटा, तो रावण कुछ ऐसी तरीके से बनते हैं जैसे कि मैंने प्रॉपर वीडियो में दिखा दिया है। तो इनकी कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पूरी प्रॉपर वीडियो देख लेना। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ये कमेंट करके बताना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो भाई मैंने जैसा देखा ये भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब इधर आ रहा होगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना मेरी वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो चलो चलते हैं, बाय।